वेलकम क्लास सिक्स सकीना पब्लिक स्कूल। हमने केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर शुरू कर रखा है। सेकंड चैप्टर का नाम है मैटर, और मैटर में दो लेक्चर हम कर चुके हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर है। आज इसका तीन लेक्चर हम कर चुके हैं, आज इसका चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो अलग अलग मैटर की जो फॉर्मेशन है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस की बात कर रहे थे। सॉलिड के बारे में हम आपको बता रहे थे कि सॉलिड जो है वो क्यों सॉलिड है, क्यों उनकी शेप डेफिनेट है और क्यों उनका वॉल्यूम डेफिनेट है। दो चीज़ें इनके लिए खास हैं। इनका शेप एक डेफिनेट शेप लिए हुए होते हैं और एक डेफिनेट वॉल्यूम के साथ होते हैं। वॉल्यूम आपको मालूम है, कोई चीज़ जितना स्पेस, जितना अमाउंट ऑफ स्पेस घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो क्यों इनका शेप जो है डेफिनेट है, क्यों इनका शेप बिगड़ता नहीं, और उसके लिए सबसे आसान चीज़ें हैं, दो चीज़ें समझना। इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने शुरू में आपको बताया था कि मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स पाया जाता है। ये अगर एक से मॉलिक्यूल्स हैं या एक से एटम्स हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एडहेसिव फोर्स होता है, सॉरी कोहेसिव फोर्स होता है। और जब एक से ज़्यादा तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरह के एटम्स से बने हुए होते हैं तो फिर उनके बीच में जो फोर्स होता है वो एडहेसिव फोर्स होता है। लेकिन इसको कॉमन में हम कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इनमें कोई मोशन नहीं पाया जाता, सिर्फ वाइब्रेशन पाया जाता है एट देयर ओन पोजीशन। इनमें एनर्जी जबरदस्त रहती है, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी फॉर द वाइब्रेशन, और इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। इसीलिए मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड दे गिव अ डेफिनेट शेप टू द ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेट शेप की वजह तो ये है, और जब डेफिनेट शेप है और उसे बिगड़ना नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। तो जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमने आपको बताया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन बगैर ऐसा किए इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं होता सॉलिड्स में, और इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है। इसीलिए सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं पाया जाता। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है दो डिफरेंट टाइप के जो मैटर्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे में मिल जाना बगैर किसी अपने आप, मगर उनको मजबूर नहीं करेगा, उनके ऊपर कोई एनर्जी नहीं लगाएगा, बल्कि वो एक दूसरे में मिल जाएंगी। जैसे गैसेस का है, जैसे लिक्विड्स का है, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड में ये क्वालिटी नहीं होगी। कोई भी सॉलिड आप उठा के देखें तो उसकी जो भी शेप है वो डेफिनेट रहेगी और जो भी उसका वॉल्यूम है वो डेफिनेट रहेगा। ये दो बातें याद रखें। और इनके बीच में इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस होता है, दे वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, अपने ही जगह पे वाइब्रेट तो करते रहते हैं। इसीलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में ये कहा जाता है कि मैटर के मॉलिक्यूल्स में कांस्टेंट मोशन पाया जाता है, कांस्टेंटली दे मूव कांस्टेंटली, लेकिन यहाँ पर बहुत जगह नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन भर की जगह इनको रहती है। और जब हम इसे हीट देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, हीट देते हैं, तो फिर इनके बीच का इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होने लगता है और ये फिर थोड़ा ज़्यादा मूव करने लगते हैं। इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है। एज सून एज यू हीट अप समथिंग
the kinetic energy will increase directly proportional to temperature. तो सॉलिड फिर ऐसा लगता है कि पिघल रहे हैं, तो मेल्टिंग हो जाती है. मेल्टिंग हो जाने का मतलब ये है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन है वो कम हो गया और स्पेस बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया और मूवमेंट बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो फिर ये कंडीशन इनकी कहलाती है कि फ्यूजन हो गया या मेल्ट हो रहे हैं. तो ये सॉलिड के बारे में, सॉलिड बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ रहती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद नंबर दो पे लिक्विड. देखिए लिक्विड हमने बताया था इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत उतना नहीं होता, उतना स्ट्रांग जितना सॉलिड में होता है. सॉलिड से कम है लिक्विड में, लिक्विड में कम है तो फिर इनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट है, मोशन है, ये थोड़ा बहुत चल लेते हैं आगे पीछे. और इसी चलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी फिर ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. और इसी मूवमेंट की वजह से लिक्विड जो है फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड और फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल. इसीलिए इनको एक कैटेगरी में रखा गया है जिनको कहते हैं फ्लूइड्स. तो ये बहते हैं, फ्लो करते हैं, ये फ्लूइड कहलाते हैं. तो इनके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कम हुआ तो इनकी शेप बदलती रहेगी. तो दे आर नॉट हैविंग ए डेफिनेट शेप, लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा ऐसा जाहिर होगा. क्योंकि आप देखिए, अगर आपके पास कोई लिक्विड है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग 1 लीटर ऑफ वाटर और इफ यू आर हैविंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, आप उसे किसी एक बर्तन में रखिए तो उसकी ये खासियत है कि इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. तो शेप तो डेफिनेट हुई नहीं, यू गो ऑन चेंजिंग द कंटेनर, डिफरेंट शेप लेता जाएगा लिक्विड, लेकिन जो 1 लीटर की जो उसका वॉल्यूम है इट विल नॉट चेंज. तो दो बातें हमारे हमको पता चली कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट है और ये फ्लो करते हैं, तो इनका शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट रहता है. तो लिक्विड के बारे में ये हुआ कि ये फ्लूइड्स हैं, बहते हैं, इनमें फ्लो पाया जाता है और इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा है और फ्लो की कंडीशन वही है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. आप किसी ऊंची जगह पर रख के इनको छोड़िए तो ये बहने लगेंगे लोअर लेवल, नीचे की तरफ. तो ये लिक्विड और गैस और इनकी हमने आपको बताई एक खास बात कि बिकॉज दे फ्लो सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. उसके बाद लिक्विड में बहुत सारे लिक्विड आप देखेंगे, कुछ तेज़ी से बहेंगे, कुछ आहिस्ता आहिस्ता बहेंगे, डिपेंड करता है उनकी कंसिस्टेंसी पर. उसके बाद फिर गैसेस हैं. गैसेस के बारे में ये है कि इनके जो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं. उसकी वजह है कि इनके मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और इनके अंदर जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है. इसीलिए ये भी फ्लूइड की कैटेगरी में रखे गए हैं. तो इनका मामला ऐसा है कि ना तो इनकी शेप डेफिनेट है ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट है. आप किसी एक कमरे में थोड़ी सी गैस, किसी कोई स्प्रे सेंट आप चलाइए तो पूरे कमरे में हर जगह उसकी स्मेल आपको पता चलेगी. इसका मतलब बहुत तेज़ी से फैल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बहुत तेज़ी से फैल जाती है और पूरे कमरे को एक तरीके से इसके मॉलिक्यूल भर लेते हैं. तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, वीकेस्ट है और इंटरमॉलिकुलर स्पेस लार्जेस्ट है और फ्लो ये भी करते हैं और इसीलिए ये भी फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं. तो इस तरह हमने देखा
कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, गैसेस के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है और डेफिनेट शेप भी नहीं है। तीन चीजें आप याद रखिए।